नमस्कार। गोशर डिजीज के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं गोशर डिजीज के बारे में। तो ये गाउचर जो डिजीज है, तो ये देखिए, आज जो मैं ले रहा हूँ ये गाउचर डिजीज का पार्ट वन है। पार्ट वन जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इसी लेक्चर का गाउचर डिजीज का जो पार्ट टू जो है तो वो रहेगा एंड्रॉयड ऐप पे। और एंड्रॉयड ऐप जो है इसमें आप स्टोर पे और जो फोल्डर है जीन इंट्रैक्शन टू नाम का जो फोल्डर है उसमें आपको ये गाउचर डिजीज का पार्ट टू का लेक्चर आपको मिलेगा। अब देखिए, पार्ट टू का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, पार्ट टू में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे गाउचर डिजीज जो है वो क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज गाउचर डिजीज। उसके बाद पॉपुलेशन है ना, दुनिया की जो किस तरह से ये गाउचर डिजीज दुनिया में अलग अलग जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उनमें ये किस तरह से फैला हुआ है, किस तरह से अफेक्ट करता है लोगों को ये। फिर ये जो बीमारी है इसमें जो अक्यूमुलेटिंग मटेरियल है, कौन सा मटेरियल जो है वो अक्यूमुलेट होता है और कौन से सेल जो है वो इस अक्यूमुलेटिंग मटेरियल से अफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर गाउचर डिजीज जिन लोगों को होता है, यानी कि जो पेशेंट है, तो उनके कौन से बॉडी ऑर्गन जो है उस पे ये गाउचर डिजीज जो है वो इफेक्ट करता है। फिर गाउचर डिजीज में कौन सा जो एंजाइम है, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, फिर ये जो एंजाइम है उसका रोल क्या होता है बॉडी में, उसके बारे में। फिर देखिए, ये एंजाइम प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है तो वो जीन क्रोमोसोम पे कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जीन, ठीक है, जीन को हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके बाद व्हाट आर सुडो जीन, सुडो जीन क्या होते हैं और उनका काम क्या है। फिर फिगर इंक्लूड करी है दी गाउचर डिजीज जीन, ठीक है, गाउचर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसका फिगर इंक्लूड किया है। फिर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ दी अक्यूमुलेटिंग मटेरियल, तो जो जो चीज जमा होती है, ठीक है, जो कंपोनेंट है जो जमा होता है उसका स्ट्रक्चर, और वो अक्यूमुलेटिंग मटेरियल जो है वो किसका बना हुआ है, उसके कंपोनेंट कौन सा है, उसके बारे में। फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा है अक्यूमुलेटिंग मटेरियल्स मेड अप ऑफ व्हाट, है ना, अक्यूमुलेटिंग जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है। फिर उन वैज्ञानिकों के नाम, ठीक है, उन वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने ये अक्यूमुलेटिंग मटेरियल जो था ढूंढा। फिर कंपेरेटिव फिगर शोइंग नॉर्मल सेलुलर लाइसोसोमल एक्टिविटी एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गाउचर डिजीज, तो ये लाइसोसोमल जो एक्टिविटी है तो ये नॉर्मल पर्सन में और जो गाउचर डिजीज के जो पेशेंट है उसमें किस तरह से ये लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये वाला जो पॉइंट है, वेयर इन द बॉडी एक्यूमुलेटिंग मटेरियल इज प्रेजेंट, विच पार्ट ऑफ द सेल, एक्यूमुलेटिंग जो मटेरियल है वो शरीर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कौन से सेल में। फिर फिगर, ये एक टेबल जो है, एक टेबल इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर देखिए, फिगर शोइंग एंजाइम, एंजाइम का जो नाम है वो यहाँ पे नहीं लिखा है, और ये एंजाइम जो है रिमूविंग ग्लूकोज फ्रॉम, तो ये कौन सा जो अकोमोडेटिव मटेरियल जिसमें से ग्लूकोज दूर कर रहा है ये एंजाइम, ठीक है, वो एक फिगर है। फिर टाइप ऑफ गाउचर डिजीज, गाउचर डिजीज जो है उसके टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर ये देखिए टेबल है, टेबल शोइंग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गाउचर डिजीज। फिर गाउचर डिजीज मेटाबॉलिक पाथवे है उसका फिगर। फिर
फिर ये देखिए एक और फिगर है, नोड्यूलर एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन इन अनट्रीटेड गाउचर डिजीज, है ना। तो इसमें ये फिगर भी आप देख पाओगे। फिर इसके बाद ये जो है दूसरा एक फिगर है, मैक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी ऑफ डेस, है ना, नाम नहीं है यहाँ पे बता रहा हूं मैं। तो डिपोजिशन ऑफ इन द फीमर ऑफ एन अनट्रीटेड पेशेंट विद गाउचर डिजीज। फिर यहाँ पे फिर ये देखिए नेम ऑफ द एंजाइम, एक मिनट, यहाँ पे जो है तो फिर ये जो है ये देखिए नेम ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट गाउचर डिजीज। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कौन सा एंजाइम बनाया है जिससे गाउचर डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद देखिए इसके बाद जो बॉडी में जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, बॉडी में जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है वो किस तरह से गाउचर डिजीज में अफेक्ट होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है, हाउ रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सिस्टम इज अफेक्टेड इन गाउचर डिजीज, है ना, पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे। फिर एक और फिगर जो है वो इंक्लूड करी है, देखिए एंजाइम एंड डिजीज ऑफ दी ग्लाइकोफिंगोलिपिड मेटाबॉलिक पाथवे, ये वाला। फिर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ दी एंजाइम, जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन उसके बारे में। फिर ये जो है ठीक है एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ गाउचर म्यूटेशन। फिर देखिए सिक्स एक जो है एक चार्ट है, तो उसमें आप देखोगे तो द सिक्स मोस्ट कॉमन म्यूटेशन अकाउंट फॉर 90% ऑफ ऑल म्यूटेशन। तो ये जो म्यूटेशन के बारे में है, कौन से म्यूटेशन है रिस्पॉन्सिबल वो। फिर गाउचर डिजीज वेरिएंट, ठीक है, उसका एक टेबल इंक्लूड किया है। फिर गाउचर डिजीज के लिए करंट थेरेपी कौन सी है, फ्यूचर थेरेपी कौन सी है, और फिर जीबीए जो जीन है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। फिर फिगर शोइंग जीबीए जीन। फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो हम बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेसेंटल एंजाइम। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंजाइम थेरेपी, इसके बारे में बात करना है। फिर जीन थेरेपी, फ्यूचर थेरेपी, जीन थेरेपी, फ्यूचर थेरेपी। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ दी लिपिड लादन मैक्रोफेजिस, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ दी लिपिड लादन मैक्रोफेजिस। फिर ये जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ईआरटी ऑन पेशेंट बॉडी, है ना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये यूज करते हैं तो पेशेंट के बॉडी पे किस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका। फिर ईआरटी जो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, इसमें विच प्रोटीन लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस, ठीक है, ईआरटी से ब्लड में कौन सा जो प्रोटीन है उसका स्तर बढ़ता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर द इफेक्ट ऑफ वीकली इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ मॉडिफाइड एंजाइम, ईआरटी में जो एंजाइम दिया गया इंट्रावेनस, तो उसका बॉडी पे जो इफेक्ट है और जो प्रोटीन का जो लेवल है ना, तो वो किस तरह से बढ़ा और क्या पॉजिटिव इफेक्ट है उसके बारे में एक ग्राफ है, फिगर है। फिर गाउचर डिजीज किसी को हुआ है इसका डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, है ना, तो डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, प्री नटल डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे। फिर ट्रीटमेंट, है ना,
एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो एंजाइम बनाते हैं, तो उन एंजाइम का नाम क्या है ना, आर्टिफिशियल जो एंजाइम बनाते हैं उनका नाम क्या होता है। और ये ऐसी तीन प्रोडक्ट हैं जो अभी यूज होती हैं, और इनका जो डोज है, उनकी जो मात्रा है ना, तो पेशेंट को कितना डोज दिया जाता है, इनका प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो ये सारी जो बातें हैं ये मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड मैंने करी है ना। तो अब जो है हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए अब जो है हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये आप देखिए, एप्लीकेशन ऑफ जीनेटिक्स टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, जनसंख्या या तो बस्ती है ना। और ये जीनेटिक का एप्लीकेशन ह्यूमन पॉपुलेशन पे किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है, एज यू रीड द फॉलोइंग चैप्टर्स, ये जो बुक है जीनेटिक का, इसमें जैसे जैसे आप ये चैप्टर्स को गो थ्रू करोगे, जैसे जैसे ये चैप्टर्स पढ़ते जाओगे, यू मे कम टू रियलाइज दैट द फील्ड ऑफ जीनेटिक इज मोर देन जस्ट अ क्लास दैट यू आर टेकिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर्स जो है जीनेटिक के बुक में जो लिखा हुआ है, जो बुक्स में जो चैप्टर है, जैसे जैसे आप इन चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे तो आपको ये बात रियलाइज होगी कि देखिए फिर से एक बार, द फील्ड ऑफ जेनेटिक इज मोर देन जस्ट अ क्लास दैट यू आर टेकिंग, है ना। तो मोर देन जस्ट अ क्लास फील्ड ऑफ जेनेटिक, अब देखिए, इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर करंट लाइफ। ठीक है, जेनेटिक का जो फील्ड है तो देखिए उसका सीधा जो असर है, जीनेटिक का जो जो नॉलेज है, इसका जो बुक में लिखा है वही मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, बुक में जो है वो आपके सामने है, मैं तो खाली इसका ट्रांसलेशन यानी कि भाषांतर या तो अनुवाद कर रहा हूँ, है ना। जो बुक में है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो देखिए, तो जीनेटिक जो है, जीनेटिक का जो फील्ड है उसका सीधा असर आपका जो वर्तमान जो जीवन है उसके ऊपर है, एंड इट इज लाइकली टू बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट इन द फ्यूचर। तो भविष्य में ये जो फील्ड है ये काफी डेवलपिंग फील्ड है, काफी डिमांडिंग फील्ड होने वाला है एज अ कैरियर ऑप्शन, है ना। चलिए अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जो है, आप जानते हैं बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं यानी कि छात्र छात्राएं जो हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद करते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, चिकित्सक बनना चाहते हैं। तो आप देखिए कि डॉक्टर बने अच्छी बात है, लेकिन जो फील्ड है, ठीक है, मेडिकल का जो मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल का जो पूरा फील्ड है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है, आप वो समझिए। कहने का मतलब, जो बीमारी जो है, बीमारी की जड़ तक पहुंचना है, और वो जो जड़ है वो क्या है, जीन लेवल है। तो यहाँ पे देखिए, जो फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले समय में जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनकी जो चिकित्सा होगी, उनकी ट्रीटमेंट जो होगी वो किस तरह से होगी, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो द यूज ऑफ जेनेटिक्स टू ट्रीट डिजीज विल लाइकली टेक टू मेजर पाथ इन द फ्यूचर। ठीक है, जेनेटिक का जो इस्तेमाल है उससे बीमारियों का जो इलाज होगा, तो वो उसमें दो अप्रोच रहेंगे। तो ये दो जो अप्रोच हैं बीमारियों को ठीक करने का, वो क्या है, तो पहला जो अप्रोच है, फर्स्ट क्लिनिकल टेस्ट करंटली फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ वाइल्ड टाइप नॉर्मल जीन इनटू द सोमेटिक सेल ऑफ एन इंडिविजुअल हु लैक्स द एलील टू रिस्टोर द एक्टिविटी ऑफ एनकोडेड प्रोटीन।
पहला जो अप्रोच है, तो क्या करना है कि जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट के बॉडी में जो सेल है, ठीक है, और सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पे जीन, तो जो डिफेक्टिव जीन है उसको दूर करके वहां पे क्या करने का है, इंसर्ट जो जो क्लोनिंग टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, जीन थेरेपी है, तो जो नॉर्मल जो वाइल्ड टाइप जो जीन है ना, या तो जो एलील है वो इंसर्ट कर देना है क्रोमोसोम पे, तो ये अप्रोच है ना। बहुत सारी जो बीमारी है उसमें क्या होता है कि भाई जो जीन होता है तो जीन में से जो प्रोटीन जो है, जीन में से वो प्रोटीन है वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जीन जो है वो डिफेक्टिव है। तो अब जो रिसर्चर जो है, जीनेटिस्ट साइंटिस्ट हैं, वो अपना जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जीन को ही रिप्लेस कर दिया जाए और वहां पे वाइल्ड टाइप नॉर्मल जो एलील है वो रखा जाए, ताकि क्या है कि प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन हो सके, जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो सके। जैसे वो जो प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन मान लीजिए वो एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऑल्दो सम ट्रायल्स हैव मेट विद अ डिग्री ऑफ सक्सेस, इसमें कुछ जो ट्रायल हैं इनमें सक्सेस मिली है, अदर्स हैव नॉट, ठीक है, कुछ जो केसेस हैं, कुछ जो ट्रायल हैं इसमें सक्सेस हुए हैं लोग, अ फ्यू इंडिविजुअल हैव इवन डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट है जीन को, डिफेक्टिव जीन को, एलील्स को रिप्लेस करने की, तो उसमें देखिए कुछ जो व्यक्ति हैं, कुछ जो पेशेंट है उनकी मृत्यु भी हो चुकी है कॉम्प्लिकेशन की वजह से। अब देखें, डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ सिंगल प्रोटीन, अब एक ही प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव होता है और उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, तो ऐसी बीमारियां कौन सी हैं, सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, एक ही डिफेक्टिव जीन की वजह से एक ही सिंगल प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं होता, तो कौन सी बीमारियां हो रही हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डकनन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गाउचर डिजीज, ठीक है, इसके अलावा सीवियर हेमोफीलिया, फिर फैमिलियल हाइपर कॉलेस टेरोलेमिया, ठीक है, एंड सम फॉर्म ऑफ कैंसर। तो इसके अलावा कैंसर के कुछ जो प्रकार हैं, हैव दी ग्रेटेस्ट चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। तो ये जो बीमारियों का जो नाम यहाँ पे लिखा है ना, सिंगल प्रोटीन जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, डकनन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गाउचर डिजीज, सीवियर हीमोफीलिया, फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये सारी जो बीमारी और कुछ प्रकार के जो कैंसर हैं, तो इनकी जो ट्रीटमेंट है वो किससे होगी, तो जीन थेरेपी से हो रही है। तो जो डिफेक्टिव जीन है सोमेटिक सेल में से, उन्हीं को निकाल के उनका रिप्लेसमेंट जो नए जो जीन है उससे कर दिया जाता है ना। अब देखें, अब आगे जो इंफॉर्मेशन है इसमें, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये इंफॉर्मेशन अब आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तो ये आप देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीन थेरेपी सक्सेस टू डेट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। ये जो इंफॉर्मेशन है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, मैं क्योंकि गाउचर डिजीज जो है उसका लेक्चर ले रहा हूं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिविएट हो रही है टॉपिक से, लेकिन अगर आपको, आपके पास समय है और आपको इंटरेस्ट है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है आप पढ़ सकते हैं।
अब ये इंफॉर्मेशन अगर आपने पढ़ी है तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा किस इन फ्यूचर भविष्य में, है ना, अगले हम कह सकते हैं 20-25 सालों में अब इस तरह से जो है ट्रीटमेंट हो रही है। देखिए आप कि जो जीन है उनको ढूंढा जा रहा है, डिफेक्टिव जीन को, और जीन थेरेपी से उन जीन को ही रिप्लेसमेंट किया जाता है ना। तो जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, फिर खाली ये एक बात नहीं है, ये खाली एक अप्रोच नहीं है, फिर इससे जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो उससे जो जो दवाइयां हैं, फिर वैक्सीन है, ठीक है, तो ये सारी, और इवन जो मिसिंग प्रोटीन होता है, कई बार जो प्रोटीन जो मिसिंग है या तो एंजाइम है, हार्मोन जो मिसिंग है, तो वो भी जो है उसका भी प्रयास चलता है ना। वो सारा जो है जीन लेवल पे ही अब जा रहा है, पूरा जो मेडिकल का जो फील्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब ये जो फोटोग्राफ है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है ये डॉक्टर हैं, ठीक है, और ये जो डॉक्टर हैं इनका नाम है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए है ना, तो देखिए फिगर जो है PCE गाउचर, ठीक है, पेरिस फ्रांस, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पेशेंट विथ गाउचर डिजीज, है ना, गाउचर डिजीज जो है इसका जो डिस्क्राइब किया इस डिजीज को, तो ये जो है ये जो डॉक्टर हैं इन्होंने सबसे पहली बार ये डिजीज को आइडेंटिफाई किया पेशेंट में और डिस्क्राइब किया। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, गाउचर डिजीज इज नेम फॉर द फ्रेंच डर्मेटोलॉजिस्ट फिलिप सीई गाउचर, है ना, गाउचर जो डिजीज है पहली बार, है ना, तो नेम गाउचर डिजीज जो है बीमारी का जो नाम है गाउचर डिजीज, ये नाम कैसे पड़ा इस बीमारी का, तो फ्रेंच डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि जो चिकित्सा शास्त्री जो है, ठीक है, वो कौन थे, यानी कि जो डॉक्टर हैं वो कौन थे, डर्मेटोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो चमड़ी जो होती है ना, त्वचा, स्किन, उसके डॉक्टर, और उनका नाम था फिलिप सी गाउचर, हु डिस्क्राइब अ 23-year-old फीमेल, उन्होंने एक महिला जो है इनमें ये बीमारी सबसे पहले पाई 1882 में, है ना, 1882 में आप देख सकते हैं सबसे पहली बार ये बीमारी इन्होंने एक महिला में पाई। अब ये जो महिला है, ये जो फीमेल पेशेंट हैं, उनको हु हैड एन एनलार्ज स्प्लीन, ठीक है, तो इनमें ये जो महिला है इनमें क्या था, जो स्प्लीन था उसका कद जो है वो बड़ा हुआ था, दैट ही बिलीव वॉज ड्यू टू एपिथेलियोमा, तो पहले इन्होंने ऐसा सोचा कि भाई जो स्प्लीन जो है इसमें जो स्प्लीन जो है स्प्लीन का जो कद बढ़ गया है तो उसका जो कारण है वो क्या है, एपिथेलियोमा, और एपिथेलियोमा जो है उसका मतलब क्या होता है, स्किन में एबनॉर्मल ग्रोथ या तो ट्यूमर, उसका मतलब एपिथेलियोमा का मतलब होता है स्क्रीन में एबनॉर्मल ग्रोथ या तो ट्यूमर। फिर ही नोटेड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अनयूजुअल सेल इन द पेशेंट्स स्प्लीन, उन्होंने क्या नोट किया, उन्होंने पेशेंट का जो स्प्लीन था उसमें अनयूजुअल लार्ज, है ना, एबनॉर्मल टाइप के सेल उन्होंने देखे जो कद में बड़े थे। फिर रिपोर्ट्स ऑफ एडिशनल पेशेंट विद सिमिलर प्रेजेंटेशन अपीयर शॉर्टली देयर आफ्टर, इसके बाद तो और कई पेशेंटों में ऐसे जो लक्षण हैं वो देखने को मिले, है ना, सिमिलर टाइप के, और इसके बाद में तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखने को मिले। उसके बाद दी एपोनिम गाउचर डिजीज वॉज अप्लाइड, है ना, तो एपोनिम का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर इंसान है उसका नाम, ठीक है, या तो किसी जगह का नाम, है ना, तो उसके इंसान के नाम पे या तो इवेंट है या तो कोई प्लेस है उसके नाम से कोई जगह का नाम रखा जाता है तो उसको एपोनिम कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्कवरर हैं इस बीमारी के वो हैं गाउचर, तो उनके नाम से ये बीमारी जो है उसको गाउचर डिजीज कहते हैं। अब देखिए, इन एडिशन, इसके अलावा द टर्म गाउचर सेल ऑल्सो बिकम कॉमनली यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक एंगोर सेल इन द ऑर्गन ऑफ सच पेशेंट,
ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट हैं इनके बॉडी में क्या थे, तो आप देखें गाउचर सेल जो है, तो ये जो टर्म है गाउचर सेल है ना, वो भी इस्तेमाल होने लगी इस बीमारी में। और ये क्या है, स्पेसिफाई एनगोज सेल, यानी कि जो सेल है उनका जो कद है वो बड़ा होता है ना। तो कौन से ऑर्गन है इसके बारे में भी हम सब ये सारी जो बातें हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पार्ट टू का जो लेक्चर है हम डिटेल में आपको पूरा जो आइडिया है वो आ जाएगा किस तरह से हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये जो दो साइंटिस्ट जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप इनको देखिए लेफ्ट और राइट जो है वो कौन है। तो देखिए फिगर जो है इसमें लेफ्ट में जो आपने साइंटिस्ट देखे तो उनका नाम है रॉस्को ओ ब्रांडी, ठीक है, और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बैथेस्डा, ठीक है, मैरीलैंड यूएस है ना, तो अमेरिका के वैज्ञानिक, और डेमोन्स्ट्रेटेड द एंजाइमेटिक डिफेक्ट इन गाउचर डिजीज। तो लेफ्ट में आपने जो साइंटिस्ट देखे उन्होंने क्या, उन्होंने जो एंजाइमेटिक डिफेक्ट है वो उन्होंने बताई है ना, एंड डेवलप डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर पेशेंट विद डिसऑर्डर। तो अब देखिए ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से ही आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से क्या क्या जो बेसिक इंफॉर्मेशन है प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए आपको बेसिक या तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिटेल में तो क्या है, गाउचर डिजीज के ऊपर डिटेल में तो पूरे के पूरे बुक्स होते हैं, और ये बुक में से ही ये इंफॉर्मेशन मैं आपको, वो जो बुक्स होती हैं उनमें से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ है ना। तो आप समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी या तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपको क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। चलिए फिर तो अब देखिए क्रिश्चियन डी डूवे नोबल, और जो राइट में जो थे, ठीक है, साइंटिस्ट, तो राइट में क्रिश्चियन डी डूवे नोबल ल्यूट्रेट बेल्जियम, और ये जो राइट में जो है क्रिश्चियन डी डूवे, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर लाइसोजोम। तो लाइसोजोम जो है इसकी जो डिस्कवरी करी तो क्रिश्चियन डी डूवे ने। तो एक बार फिर से ये दोनों जो हैं, ठीक है, दोनों जो हैं इनको देखिए आप, साइंटिस्ट। चलिए अब ये जो फोटोग्राफ है, अब ये जो है ये कौन है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं डेविड सेप्रो है ना, कहाँ पे ये अपना रिसर्च करते हैं, वेजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पे ये अपना काम कर रहे थे। गाइडेड द सिंथेसिस ऑफ सी लेवल ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, इन्होंने क्या किया, सी लेवल ग्लूकोसेरेब्रोसाइड जो है इनका इस्तेमाल किया, यूज टू आइडेंटिफाई द मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन गाउचर डिजीज। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गाउचर डिजीज में। चले अब फिर ये जो साइंटिस्ट हैं ये देखिए आप, पीटर पेंकेओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बैथेस्डा मैरीलैंड यूएस। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस फ्रॉम ह्यूमन प्लेसेंटल टिश्यू है ना। तो अब
अब इसके आगे का जो पार्ट टू का जो लेक्चर है, मैंने आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पार्ट टू के, वो पहले ही मैंने आपको बता दिए शुरुआत में ही, किस तरह से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, पार्ट टू में क्या होगा, सारी बातें मैंने आपको बताई। और आप जानते हैं, जब भी मैं यूट्यूब पे आता हूँ, जब आप मुझे देखते हैं यूट्यूब पे, तो जब मेरा ऐप पे लेक्चर अपलोड हो जाता है, तभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और पार्ट टू जो है, पार्ट टू यूट्यूब पे क्यों नहीं डालता, तो आप समझते हैं कि भाई ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ऐप बनवाया है ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए, ठीक है, तो फिर ऑनलाइन टीचिंग का मतलब ही तो होना चाहिए ऐप बनाना, ऑनलाइन टीचिंग करना, ठीक है। और आप लोगों को भी काफी इसमें फैसिलिटी है, आप आपके घर पे आराम से, है ना, देख सकते हो लेक्चर, तो फैसिलिटी है, फैसिलिटी का बात। चले, अब तो देखिए, अब ये जो है मेरा जो एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड ऐप का नाम है मनीष जी कोष्टी। अगर आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, 3 से 4 का जो समय है, तो इस समय में आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जो है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये जो है, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, अब यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये जो लेक्चर है, इससे और ऐप पे जो लेक्चर है पार्ट टू, उससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।